इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये हमारा चिकन। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट है। तो इसकी रेसिपी मैंने, ये चिकन मैंने कैसे बनाया है आपको इसकी रेसिपी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं इसका लहसुन दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं कांचा आहूजा, मेरे यूट्यूब चैनल आहूजा की चैनल ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला बिहारी लहसुन चिकन, जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लहसुन चिकन बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा केजी चिकन। इसमें मैंने विनेगर डालकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। कश्मीरी लाल मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा गरम मसाला है, चिकन मसाला है और थोड़ा सा खड़ा मसाला हमने ले लिया है। चिकन मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने राजेश मसाला लिया है। लहसुन ले लिया है, अदरक को छोटे छोटे टुकड़े कट करके ले लिया है और दो बड़ी प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। सरसों का तेल ले लिया है। अब मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दूंगी, इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। इस चिकन में हमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा चाहिए होता है ताकि इसका कलर भी अच्छे से देखने में लगे। तो ये देखिए मैंने इसमें तेज पत्ते डाल दिए हैं। तेज पत्ते डालने के बाद इसमें अपने चिकन डालेंगे। चिकन इस समय डालते समय हमें सावधानी से डालना है क्योंकि ये बहुत तेज छटकता है, इसलिए हमें ध्यान से ताकि हम जले ना। इसलिए देखिए मैंने सारे चिकन इसमें डाल दिए हैं। चिकन में विनेगर डालने से चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा संभाल के चलाएँगे। और इस तरीके से भून के बनाने में ना बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें जो चिकन वाली स्मेल होती है वो भी नहीं आती है और इसके पीसेस जो है वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं ऊपर से टाइट हो जाते हैं। तो ये हमारी ग्रेवी में जाके टूटते भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए इसमें मैंने हल्दी पाउडर आधे चम्मच डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के पकने देंगे ताकि हमारा चिकन थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसे ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए पकाया है। 5 मिनट बाद इसको खोल कर देख लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारा चिकन पक चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें पानी लग रहा है तो मैं इसे खोल कर ही इसे पकाऊँगी ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। तो इस तरीके से खोल के मैं इसे 5 मिनट तक पका लूँगी और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए, तो फिर इसको हम निकालेंगे। इसको पानी अच्छे से सूख चुका है, इसको थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे चिकन इसमें से निकाल लेंगे। हम इसका तेल जो बचा है उसका वेस्ट नहीं जाएगा, इसी में अपनी ग्रेवी भी बना लेंगे। तरीके से सारे चिकन हम निकाल लेंगे और इसी तेल में थोड़ा सा और तेल डालेंगे। जो नीचे पकड़ लिया था ऐसा जल गया था उसको मैं ऐसे करके निकाल दूंगी। इससे कुछ नहीं होता, इससे टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा और तेल डालूंगी। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसमें जो खड़े मसाले हमने लिए थे उसको डालेंगे। खड़े मसालों में मैं इसमें सिर्फ लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस समय मैं दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल सकते हैं। मैं इन सबों को पीस कर के डालूँगी, इसलिए मैंने खड़े तड़के में नहीं डाला है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अदरक जो काट के रखा हुआ था, अदरक
का टुकड़ा वो डाल देंगे और हरी मिर्च भी इसी में डाल देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसमें तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, मुझे तीखा ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। हमने प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसी में जो लहसुन मैंने लिए हैं, ये लहसुन ही चिकन है इसलिए हमें लहसुन ज़्यादा डालना है। तो मैंने लहसुन डाल दिया है और बहुत ही अच्छे ये तरीके से लहसुन डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है लहसुन। इसको आप चाहे तो चूस कर या इसमें निचोड़ भी सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ये गल जाने के बाद बहुत अच्छे से निकल जाता है इसका सारा फल और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरीके से प्याज के साथ भूनने से थोड़ा सुनहरा हो जाता है तो इस ये और भी टेस्टी लगता है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार, जितना मुझे ग्रेवी पूरे चिकन में चाहिए होगा उतना नमक मैंने डाला है। आप अपने हिसाब से जितना टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। इसे भूनते समय हमें अपनी फ्लेम को लो ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और अच्छे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे मसाले भूनते समय हमें बिल्कुल ध्यान से लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और चिकन मसाला सब ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुना जाए। इसको ढक के 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से लो फ्लेम पर भूनने देंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। एकदम लो फ्लेम पर ही भूनना है, इस बात का हमें ध्यान रखना। हाई फ्लेम पर अगर हम मसाला भूनेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो मैं इसको खोल के देख लेती हूँ 5 मिनट बाद। तो ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, इसमें तेल भी छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मिला लेंगे इसको अच्छे से। तो इसमें अपने चिकन डालेंगे, चिकन को अच्छे से इसमें धीरे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स तो देखिए बहुत ही अच्छे से भुना चुका है। इसे हम थोड़ा सा ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे ताकि इसमें जो चिकन है उसमें मसाला अच्छी तरीके से अंदर जा सके। इस तरीके से आप सूखा भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि चिकन हमें भूनते समय ही पक चुका था तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता। जिसको सूखा पसंद है वैसे सूखा ही खा सकता है क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे सूखा खाने में भी। लेकिन अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए, मैं तो ग्रेवी वाला ही बना रही हूँ, तो मैं इसमें पानी जरूर डालूंगी। तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें डाल सकते हैं। ये बिहारी चिकन है इसलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसका ग्रेवी जो है पतला होता है। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें मसाला भूनते समय इसमें आप टमाटर प्यूरी डाल सकते हैं, डालकर आप भून सकते हैं, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे गाढ़ी ग्रेवी नहीं चाहिए थी, मुझे पतली ही चाहिए थी क्योंकि लहसुन चिकन है तो हम इसे बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं। तो मैं इसे 5 मिनट बाद देख लेती हूँ, ये पकना स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी पका नहीं है अच्छे से। तो इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे रख देंगे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए पकने के लिए।
देखिए अभी हमारा अच्छे से पका नहीं है, मैं इसको फिर से ढक देती हूँ। इसे 10 मिनट बाद फिर खोल के देखेंगे कि हमारा चिकन कहाँ तक पका है। देखिए 10 मिनट बाद मैंने खोल के देख लिया है, अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, अच्छे से पक गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है, तो इसलिए इसका इसकी ग्रेवी देख लीजिए, एकदम परफेक्ट ऐसी ग्रेवी हमें चाहिए। लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे ताकि इसमें जो भी कसर बाकी हो वो भी पूरी हो जाए। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए फिर से ढक कर छोड़ दूँगी। इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर और पका लेती हूँ। इस चिकन को पकने में हमें कुल मिलाकर आधे घंटे लगे हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन, मैंने 5 मिनट बाद फिर खोल के देख लिया, हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। मैं चेक करके देखती हूँ हमारा चिकन अच्छे से पका है कि नहीं। तो मैं एक चिकन थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से टूट जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको करेंगे बंद और इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं इसको। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो ये देखिए मेरा चिकन बनके रेडी हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया सर्व करके। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।